हेलो गाइस, वेलकम है पब्लिक वाला अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया भाई सात ऐसे टॉप के टिप्स एंड ट्रिक और ग्लिच जो भाई क्या बोलते हैं बिस्टा और सेंट्रल लोड के हैं, जो भाई एकदम ओपी होने वाले हैं। इसके अंदर आज तक किसी ने नहीं जाना बताया होगा, इसके अंदर जाके बताऊंगा मस्त ओपी वाला। भाई देखो, इसके अंदर आ चुका हूं मैं एकदम कतई जहर लेवल के, मतलब ग्लिच होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटा ऑल पर प्रेस करो। भाई बिल्कुल तबाही वाला ग्लिच दिखाने वाला हूं आज, जो अगर लास्ट जोन बनता है इधर या सेंट्रल रोड में तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलते हैं टिप्स नंबर वन की तरफ। जो भाई एक छोटी सी टिप्स है, अगर आप उतरते हो या स्टोर वाला पीछे पड़ा गन वगैरह नहीं मिली है तो ये उस टाइम आपके बहुत काम आएगा। आप भाग के जा रहे हो, अब सोच भी नहीं पाएगा इधर बैठा हो, अगर आपके पीछे पड़ेगा तो वो सीधा निकल जाएगा, इधर नहीं देखेगा आपको कोने में बैठे हो या नहीं हो। तो भाई ये बहुत काम आने वाली ये वाली टिप्स, जो है आपको के पास गन नहीं हो या हेल्थ कम हो, हेल्थ नहीं हो मतलब या स्टोल के वाला पीछे पड़ा हो, तो आप यहाँ बैठ सकते हो एकदम आराम से। बहुत ना के बराबर 100 में से 10% मतलब दिखेगा, बाकी 90 के चांदने जो नहीं दिखेगा। तो बात कर लेते हैं टिप्स नंबर टू की, जो भाई है ग्लिच। इसके अंदर जाके दिखाऊंगा मैं कैसे जाना है, तो वो अभी दिखाता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक बहुत ज़रूरी होता है यार। चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटा ऑल पर प्रेस कर। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल से इधर आना है, भागते जाना है और इधर में आके बैग पैक खोल के स्केटिंग ऑन करेंगे, जंप जंप करके इधर आना है। इधर आने के बाद इधर आना है और इधर लेटने की कोशिश करना है, लेटना है थोड़ा आगे पीछे होकर, इधर मतलब प्रॉन हो जाना है, लेट जाना है। इस तरह से मैं कर रहा हूँ इधर। अब सिर अपना सर जो है हेलमेट वो ऊपर दीवार के पास ले आके बस टच कर लेना दीवार से ऊपर वाले हिस्से से, बैक पैक खोल के स्केटिंग करके ओपन जंप करना है, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। इधर आ जाओगे अभी भी ग्लिच हो गया, इसके ऊपर भी चले जाओगे, ये तो बहुत ऊँचा है, तो उसके ऊपर जाने के लिए क्या करना है, दोबारा बैक पैक ओपन करना है और स्केटिंग करना है और जंप, और ये जो आगे भागने वाला होता है स्केटिंग को, इसको करते रहना टैप टैप, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऊपर आ गए, कभी इससे भी ऊपर जाते हैं तो वो ही करना है सेम जो बताया अभी। तो देखो भाई बूम बाम इसके अंदर आ गया, कोई सोचेगा भी नहीं भाई आप इधर हो और भाई यहाँ से भाई लास्ट जोन बनता है, एस्ट्रोल के वाला हो, रैंक पुश कर रहे हो, क्या ही तवाई वाई व्यू मिलने वाला है और बंदों को ईजिली मार सकते हो, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से मारना, निकलना बहुत आसान है, किसी भी कोने से निकल सकते। तो बात करते हैं टिप्स नंबर थ्री की, वो भी इधर ही काम आती है। तो भाई आप तो अगर गन वगैरह मिल गई है, एस्ट्रोल के वाला है या लास्ट जोन इधर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से इधर आना है जिधर की साइड मैं जा रहा हूँ। इधर आने के बाद दूर से भाग जाना और इधर आके जंप करके इसको पकड़ लेना, मालूम होगा लेकिन यूज़ नहीं करते हो भाई ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक, यूज़ करो बहुत काम आएंगे यहाँ से। भाई कितना एडवांटेज है, अगर बंदा उधर भी है कहीं भी है यहाँ से मार सकते हो, तुरंत कवर ले सकते हो, मस्त कवर है रे बाबा। तो वीडियो को लाइक करो, सबसे पहले लाइक बहुत ज़रूरी होता है। तो बात कर लेते हैं टिप्स नंबर फोर की, तो भाई अगर आप उतरे और बहुत सारे बंदे उतरे हैं या गन उन नहीं मिली है तो आप छुप सकते हो, या फिर मतलब गन उन मिल गई और एस्टल के वाला है तो भी आप छुप सकते हो। ये है ना, इधर आना है, इधर पीछे से दूसरी साइड से आना है घूम के, मतलब थोड़ा सा राइट से, और इधर आके अच्छे से सेव हो जाना। देखो भाई इसके अंदर आ गया, बंदा सोचेगा नहीं इसके अंदर हो, गन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। तो यार देखो इसके लिए तो लाइक कर दो, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बात कर लें टिप्स नंबर फाइव की, जो भाई निकल पाती है सेंट्रल रोड के इस वाले घर में। अभी क्या होता है लास्ट जोन बनता है या बंदे इधर कैंपिंग करते हैं, एस्टोल के लेके बैठे रहते हैं, तो आपको ऊपर सीधा नहीं जाना भाई, सीधा जाओगे तो पेल देंगे। आपके पास होना चाहिए एक मुर्गी का अंडा, बोले तो स्नोबॉल, और भाई उसको इधर जो इधर मैं फेंक रहा हूँ ना, इधर फेंकना, थोड़ा आगे फेंक दिया मैंने, थोड़ा पीछे फेंकना है इसको, इधर थोड़ा आगे फेंक दिया तो ये मतलब मुश्किल करेगा, तो मैं इधर में अभी दूसरा स्नोबॉल डालूंगा। अगर थोड़ा पीछे फेंकोगे तो उसके बाद यहाँ आना है और उसके ऊपर आना है, बैक पैक खोल के स्केटिंग करना है, सीधा ऊपर जाओगे। अभी करके दिखाता हूँ मैं, एक स्नोबॉल ले लेता हूँ अपने फ्रेंड से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो वाला मैं डाल रहा हूँ दूसरा वाला, ये वाला डालना है, इधर एक ही स्नोबॉल में काम हो जाएगा। क्या है ना, वो थोड़ा मुझसे ज़्यादा आगे पड़ गया था, तो ये जो दूसरा वाला ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर बंदा कैंपिंग कर रहा है, चलक वगैरह लेकर बैठा, तो आपको ये डालना है स्नोबॉल, इसके ऊपर चढ़ना है, बैक पैक खोलना है, स्केटिंग करना है, और जो स्केटिंग करने के बाद जो आता है वो जंप वाला और आगे की साइड भगाने वाला, उसको करते रहना भाई, ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा। और बंदा इधर कैंपिंग कर रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा आप कब ऊपर आ गए। ये देखो भाई मैं सिंपल से ऊपर आ गया और इधर बंदा अगर बैठा तो उसको बिल्कुल भर दोगे, बंदा तो भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हुआ क्या यार। तो इसके लिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक आती रहती हैं। तो बात कर लेते हैं टिप्स नंबर सिक्स की, तो भाई वो भी इधर निकल आती है। अगर इधर लास्ट जोन बनता है तो ये सुनिए एक जगह की बताता हूँ मैं, कि जिधर भी लास्ट जोन बने तो आप एक नहीं आती है यूज़ में तो दूसरी कर सकते हो, तीसरी कर सकते हो, इसलिए। तो भाई देखो इधर आना है, गेट बाहर की साइड खोल लेना, इसके ऊपर चढ़ना और इधर जंप करके किवाड़ के ऊपर विंडो के साइड से इधर आ जाना। और भाई इधर बंदा कैंपिंग कर रहा है उसको यहाँ से भाई आराम से मार सकते हो, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, बंदा किधर से आया। तो
तो बात कर लेते हैं टिप्स नंबर 7 की। तो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक आती रहती हैं, आती रहेंगी। तो ये वाला जो ट्रक खड़ा है इसके नीचे आना है, ये तो बहुत जगह ट्रक खड़े हैं, बहुत जगह की बताई है मैंने, लेकिन ये वाली भी देख लो। बैक पैक ओपन करना है, स्केटिंग करना है, सेम वही है और ऑटोमेटिक ये एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आ जाओगे भाई, और यहाँ से फायर मोली नेट वगैरह सब कुछ रख सकते हो, पूरा फायर बाहर जाएगा भाई। और बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ये हुआ क्या, इधर से मारा। पर एस्टुअल के वाले को तो भाई बिल्कुल आसानी से मार सकते हो, बिना एस्टुअल के वाले बंदे को नहीं मारना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो,